नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerengineers.com से और इस वीडियो लेसन में हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम आपको वर्डप्रेस के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है। तो वर्डप्रेस के बारे में पहली चीज़ जो आपको जानना जरूरी है कि लगभग 60 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट में वर्डप्रेस का यूज़ किया गया है। वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है जिसको 27 मई 2003 को सबसे पहले लॉन्च किया गया था या जारी किया गया था, और जिसको बनाने वाले जो लोग थे एक मैट मुलेनबेग और माइक लिटिल, इन दोनों ने मिलकर ये चालू किया था। अब आगे बढ़ने से पहले और जानने के पहले कि वर्डप्रेस क्या है डिटेल में, हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जितनी भी वेबसाइट बनी है पूरे दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में, उनमें से 36% वेबसाइट अप्रॉक्स जो हैं वो वर्डप्रेस की सहायता से बनी है। ठीक है, वहीं अगर हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, प्रेस है वो एक CMS है, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन कंटेंट मैनेज करने के लिए आपको हेल्प करता है। दोस्तों, कई सारे CMS मार्केट में अवेलेबल हैं, बट सबसे ज़्यादा जो शेयर जो है वो है 61% वर्डप्रेस का है। तो ये दो फैक्ट हैं जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्डप्रेस कितना पॉपुलर CMS है। तो वर्डप्रेस क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये क्या है, ये एक ब्लॉग पब्लिशिंग सिस्टम है। जब वर्डप्रेस शुरू में आया था तो इसको सिर्फ ब्लॉग की तरह यूज़ किया जाता था, मतलब ब्लॉग डिज़ाइन करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ब्लॉग क्या होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो अपने थॉट्स या उनके साथ जो हुआ, वो अपनी दिनचर्या, वो एक वेबसाइट बना के उसमें पोस्ट करते हैं। और जब हम ये ब्लॉग या वेबसाइट देखते हैं तो इनमें जो रीसेंट पोस्ट होती हैं वो सबसे ऊपर हमको दिखती हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जो हैं, उनका जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो वर्डप्रेस शुरुआत में ब्लॉग पब्लिशिंग सिस्टम के तौर पर ही लॉन्च हुआ था। दूसरी चीज़ क्या है कि ये फ्री है, ओपन सोर्स है। फ्री का मतलब होता है कि इसका कोड जो है वो ओपन सोर्स है, मतलब अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है। तीसरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, जो आप वेबसाइट देखते हो ना, तो वेबसाइट में क्या होता है, कंटेंट होता है, मतलब टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, बहुत सारे मीडिया होते हैं जैसे ऑडियो वीडियो, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही वेबसाइट बनती है। तो ये सारा जो कंटेंट है इसको ऑनलाइन मैनेज करने के लिए भी वर्डप्रेस का यूज़ होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं CMS। फिर ये यूज़र फ्रेंडली है, ये इतना आसान है कि अभी आप मेरे सारे ये वीडियोस देख लेंगे तो आप वर्डप्रेस चलाना सीख जाएंगे बहुत आसानी से। नेक्स्ट जो फीचर है इसका, या वर्डप्रेस को हम बोलें, तो ये PHP लैंग्वेज में बना हुआ है, मतलब इसकी जो कोडिंग की गई है वो PHP में बनी हुई है। PHP भी एक अगेन बहुत पावरफुल लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के लिए, और ये भी ओपन सोर्स है। और इसमें जो डेटाबेस यूज होता है, मतलब जो कंटेंट स्टोर होगा, वो बैकएंड जो है इसका जो डेटाबेस है वो MySQL और MariaDB, इन दोनों में से कोई एक डेटाबेस का यूज करके वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो चलती है। तो हम जानेंगे कि वर्डप्रेस की विशेषताएं क्या हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले है यहाँ पे कस्टमाइजेबल डिजाइंस। वर्डप्रेस में आप जब कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई ब्लॉग बनाते हैं, तो इसमें आपके पास ढेरों ऑप्शंस होते हैं, आप ढेरों थीम्स होती हैं, उनमें से चूज करके आप अपनी वेबसाइट को यूनिक और बेहतर लुक दे सकते हैं। दूसरा जो फायदा है वर्डप्रेस का, वो है SEO फ्रेंडली। देखिए, वेबसाइट बनाने के बाद सबसे बड़ा जो काम होता है वो वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना। उसके लिए लोग सर्च इंजन पर डिपेंडेंट रहते हैं। आप कोई वेबसाइट जब खोलते हैं तो गूगल, याहू या बिंग सर्च के थ्रू ही उस वेबसाइट पर आप पहुंचते हैं, है ना। तो उसके लिए वेबसाइट को SEO फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वर्डप्रेस में इनबिल्ट ऐसे कई सारे फीचर्स हैं कि बहुत सारी जो टेंशन होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, वो आपको नहीं लेनी पड़ती है। तीसरा जो इसका फ़ायदा है, वह रिस्पॉन्सिव मोबाइल साइट्स। हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जैसे आपको मालूम होगा कि आजकल 70-80% लोग मोबाइल पर ही वेबसाइट देखते हैं, या टैबलेट पर वेबसाइट देखते हैं, या इवन TV पर भी वेबसाइट ब्राउज करते हैं। तो वर्डप्रेस पे जो बनाई वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब यहाँ पे होता है कि आप किसी भी साइज के डिस्प्ले में उसको जब देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस साइज के हिसाब से वेबसाइट चेंज हो जाएगी, है ना, जिसमें आप कंटेंट इजीली रीड कर सको। उसके बाद है हाई परफॉर्मेंस। वर्डप्रेस में इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छी होती है।
जो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं वो फार बेटर होती है। अगर आप कस्टम कोड या खुद से आपने स्टार्ट करके कोई वेबसाइट बनाई होगी, खुद से कोड करके वेबसाइट बनाई होगी, क्योंकि इसमें सालों की मेहनत, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2003 से वर्डप्रेस चली आ रही है अभी तक, और आप देखिए कितना समय हो गया है, तो उसका जो कोड है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुका है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। फिर है अगला फीचर, मैनेज ऑन द गो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। अगर आप अपने वेबसाइट में कंटेंट ऐड करना चाहते हैं और वेबसाइट अगर आपने वर्डप्रेस के थ्रू बनाई है, तो यकीन मानिए कि आप उसमें कंटेंट आप अपने मोबाइल से भी ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस का एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसमें बस 2 मिनट की सेटिंग्स होती हैं और वो ऐप आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर उस ऐप के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल, मैनेज और कंटेंट ऐड कर पाओगे। दोस्तों जो वर्डप्रेस का अगला फीचर है जो, वह है हाई सिक्योरिटी। वर्डप्रेस में अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको एक बार कॉन्फिगर कर दें, एक बार सेटिंग कर दें पूरी, तो वेबसाइट वर्डप्रेस की हैक होना नामुमकिन जैसा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में आता है। अगला जो फीचर है वो है पावरफुल मीडिया मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि आप वर्डप्रेस में विभिन्न प्रकार के जो फाइल्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ऑडियो डालना है, आपको वीडियो डालना है, आपको कोई यूट्यूब का लिंक करना है, आपको इंस्टाग्राम की फ़ोटो डालनी है, ऐसे कई प्रकार का पीडीएफ फाइल दिखानी है, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करवानी है, जितने भी मीडिया होते हैं, जितने भी कंटेंट होती हैं, फाइल्स होती हैं, उनको आप अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस के माध्यम से इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूज़र को दिखा सकते हैं। अगला जो फीचर है, लास्ट फीचर है, ईजी एंड एक्सेसिबल। वर्डप्रेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यूज़र फ्रेंडली है, इसको सीखना आसान है, इसको एक्सेस करना आसान है, और आप कुछ ही दिनों में वर्डप्रेस को एक्सपर्ट की तरह यूज़ करना सीख सकते हैं हमारे वीडियोस को देखने के बाद। दोस्तों अब हम जानते हैं कि वर्डप्रेस साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस जब ओरिजिनली बनाया था 2003 में, तो इसका यूज़ सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए किया जाता था, बट आज के समय में वर्डप्रेस का यूज़ बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। उसमें सबसे पहला है, मैंने बताया आपको, सिंपल ब्लॉग। अगर आपको एक ब्लॉग बनाना है सिंपल, तो आप 10 मिनट में अपना ब्लॉग चालू कर सकते हैं वर्डप्रेस की सहायता से। न्यूज़ साइट्स बनानी है, जितने भी न्यूज़ साइट्स आप देखते हैं उसमें से कई सारी, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ साइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस का यूज़ करके बनी होती हैं, तो न्यूज़ साइट्स बनाने के लिए भी हम वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनानी है आपको, जहाँ पे आप चीज़ें कुछ बेचना चाहते हैं। छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं, अब वो ऑनलाइन आ रहे हैं, अपना वेबसाइट खुद का बना रहे हैं और ख़ुद सेल करना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस में ई कॉमर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इवन हमारी वेबसाइट पे भी आपको मालूम होगा कि हम पीडीएफ फाइल बेचते हैं, है ना, तो उसके लिए भी हमने वर्डप्रेस का ही यूज़ किया है। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी कंपनी है और आप उसके लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम अगर ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आप कुछ करते हैं, आपने कुछ अचीव किया है, आपके पास कुछ अवार्ड्स हैं और आप वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोगो डिज़ाइनर हैं, आप लोगो बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, तो आप अपना कैटलॉग ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो उसके लिए भी आप वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आज के समय में एक बहुत बड़ा एक जरिया है पैसा कमाने का। अगर आप वैसी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसके जरिए आप दूसरों के प्रोडक्ट या दूसरों के सर्विसेज को बेच सकें, तो उसके लिए भी आप एफिलिएट वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो वो वर्डप्रेस से आसानी से बना सकते हैं। और साथ ही साथ कम्युनिटी हब अगर आप चालू करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा हो कई सारी फोरम वेबसाइट होती हैं, फोरम वेबसाइट मतलब होता है जहां पर लोग आकर डिस्कस करते हैं विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर, ये जैसे फैन साइट्स होती हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स होती हैं जो किसी फ़ैन ने बनाई होती हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए, या आपने विकिपीडिया का नाम सुना होगा, वैसी वेबसाइट कोई बनानी है आपको, तो उसके लिए भी आप वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम वर्डप्रेस साथ कर सकते हैं, तो सिंपल ब्लॉग से लेकर आप विकिपीडिया जैसी वेबसाइट भी वर्डप्रेस में आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों तो मैंने आपको बताया अभी तक कि आप वर्डप्रेस का प्रयोग करके किसी भी प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं, उनमें से हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट आप वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल है, कैसे वर्डप्रेस अकेले से सिंगल कोड से आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें वर्डप्रेस में होती हैं जिससे हर वेबसाइट अलग बन पाती है, और उसका सबसे पहला जो है रीज़न है वो है
थीम्स, मतलब कैसे हम वर्डप्रेस को अलग अलग वेबसाइट के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पहला होता है थीम। हम थीम की सहायता से साइट के लेआउट को और वो किस तरीके से विजिबल होगी, किस तरीके से दिखेगी, वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 60 मिलियन वेबसाइट से भी ज़्यादा वर्डप्रेस में बनी वेबसाइट्स हैं, बट लगभग हर वेबसाइट थोड़ी डिफरेंट होती है एक दूसरी वेबसाइट से, तो ये थीम से ही संभव हो पाता है। दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है वो है प्लगइन्स। तो प्लगइन्स की सहायता से नए फीचर्स या नया, जो अगर हमें कोई फंक्शन ऐड करना है अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में, तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि एफिलिएट वेबसाइट बनानी है ना, या अगर आपको एक फोरम बनाना है, तो उसके लिए पहले से हमारे पास कुछ प्लगइन या थीम होंगे, जिन प्लगइन और थीम को हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंस्टॉल कर लेंगे, तो वेबसाइट वो क्या बन जाएगी, वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस से आप क्या क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस के क्या फीचर्स हैं, और वर्डप्रेस को कस्टमाइज करने के लिए कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में क्या क्या होना ज़रूरी है और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।